बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के क्विज कंपटीशन जो जश्न आज़ादी के सिलसिले में मुनक़िद किए जा रहे हैं, इसमें अगला मरहला सीनियर क्लासेस में सिक्स और सेवन क्लास, सिक्स और सेवन में से जो विन करेगा, फिर एट और नाइन्थ क्लास के बॉयज़ इनका आपस में कंपटीशन होगा, और इनमें से जो विन करेगा वो फिर विनर करार पाएगा। फाइनल सिक्स और सेवन के विनर और एट और नाइन्थ के विनर के दरमियान होगा। तो आज के बाकायदा तौर पे तकरीब के आगाज़ से पहले सेवन्थ क्लास के बच्चे अपना तारुफ करवाएंगे। खड़े होके मास्क उतारें जी। ना आपका नाम? मोइज शहबाज। बैठें जी, मास्क कर लें। अमीर हमजा, सेवन्थ क्लास। मोहसिन नदीम, सेवन्थ क्लास। तलहा अब्दुल समद, सेवन्थ क्लास। अब इसके बाद सिक्स क्लास के बच्चे अपना तारुफ करवाएंगे। खड़े होके मास्क उतारें। तैमूर यूसुफ, सिक्स क्लास। खड़े होके सैयद नोरेज, सिक्स क्लास। मोहम्मद हुसैन, सिक्स क्लास। शहबाज हुसैन, सिक्स क्लास। जी, पहले मरहले में पांच पांच सवाल। आज के मरहले का पहले मरहले का पहला सवाल जो क्लास सिक्स से पूछा जाएगा। पहला सवाल आपसे, कुरान मजीद की पहली वही कौन सी सूरत कितनी आयत? जी, कुरान मजीद की पहली वही किस सूरत से है और कितनी आयात? सूरह सूरह अलग पहली पांच आयात। दुरुस्त जवाब। जी, सेवन्थ क्लास दूसरा सूरतुल माईदा आयत नंबर तीन, कुरान मजीद की आखिरी वही, कुरान मजीद की आखिरी वही कौन सी है? सूरतुल माईदा आखिरी तीन आया। जी, दुरुस्त जवाब, दुरुस्त जवाब। जी, टेलीफोन का मौजूद कौन है? टेलीफोन का मौजूद कौन है? ग्राहम बेल। दुरुस्त जवाब। सेवन क्लास, क्लास सेवन, किंग ऑफ केमिकल्स किसे कहा जाता है? किंग ऑफ केमिकल्स किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। दुरुस्त जवाब। सिक्स क्लास, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बनी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बनी? 1906। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का नाम किसने तजवीज किया? सर सर मोहम्मद शफी। दुरुस्त जवाब। बेटा शोर नहीं होगा। क्लास सिक्स, को एजुकेशन की इब्तिदा किस मुल्क से हुई? को एजुकेशन की इब्तिदा किस मुल्क से हुई? स्विट्जरलैंड। दुरुस्त जवाब। सेवन्थ क्लास, क्लास सेवन, सहारा रेगिस्तान में बर्फबारी कब हुई? 1979। सहारा रेगिस्तान में बर्फबारी कब हुई? 1979। जवाब। दुरुस्त जवाब। जी, आप बताएंगे पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? पाकिस्तान का कौमी फूल चमेली। चमेली। जी जवाब। दुरुस्त जवाब। आप बताएंगे पाकिस्तान का कौमी खाना कौन सा है? पाकिस्तान का कौमी खाना कौन सा है?
निहारी दृश्यवाद। जी योम दिफा कब मनाया जाता है? छह सितंबर। जी दुरुस्त जवाब। योम तकबीर कब मनाया जाता है? 28 28 मई। दुरुस्त जवाब। जी जी क्लास सिक्स, पाकिस्तान दुनिया का कौन सा एटमी ताकत रखने वाला मुल्क है? पाकिस्तान दुनिया का कौन सा एटमी ताकत रखने वाला मुल्क है? सातवां। दुरुस्त जवाब। जी जी क्लास सेवन, पाकिस्तान के जनूब में कौन सा समंदर वाकया है? पाकिस्तान के जनूब में कौन सा समंदर वाक्य है? बहरे अरब। जी जवाब। पाकिस्तान के शुमाल में कौन सा मुल्क है? पाकिस्तान के शुमाल में कौन सा मुल्क है? जी एक जवाब दीजिए। चाइना। चाइना, क्या ये जवाब ठीक है? जी चाइना। नहीं, आपस में मशवरा कर रहे थे, हमारे तक जवाब नहीं आया था। दुनिया में सबसे ज्यादा खजूर पैदा करने वाला मुल्क है? एक दूसरे को बता। दुनिया में सबसे ज्यादा खजूर पैदा करने वाला मुल्क मिस्र है। मुस्त जवाब। दुनिया की पहली लेडी डॉक्टर का नाम क्या है? दुनिया की पहली लेडी डॉक्टर? एलिजाबेथ। जी क्लास सेवन, दुनिया में सबसे ज्यादा अहराम किस मुल्क में है? दुनिया में सबसे ज्यादा अहराम किस मुल्क में है? सूडान। दुरुस्त जवाब। पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा? पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा? अब्दुल हफीज जालंधरी। जवाब। रेलगाड़ी का मौजूद है? रेलगाड़ी का मौजूद कौन है? जॉर्ज स्टीफन। जॉर्ज स्टीफन। जी जवाब। दुरुस्त जवाब। दस दस सवालों के जवाब के बाद अभी तक मुकाबला बराबरी की बुनियाद पर चल रहा है। आइंस्टाइन को कहां दफन किया गया? आइंस्टाइन को कहां दफन किया गया? जी कहां पर? उसकी लाश जला दी गई थी, कहीं दफन नहीं किया गया। दुरुस्त जवाब। ब्लैक डायमंड किसे कहा? ब्लैक डायमंड कोयला। जी क्लास सिक्स, किस मुल्क ने हवा में पौधे उगाने की कोशिश की? जवाब। दुरुस्त जवाब। जी क्लास सेवन, पानी की मलिका किस पौधे को कहा जाता है? पानी की मलिका वाटर लिली। लिली। जी क्लास सिक्स, वो कौन सी चीजें जो ऊपर जाती है और नीचे भी आती मगर हरकत नहीं करती? टेम्परेचर, दर्जा हरारत। ठीक है जी, दुरुस्त है। जी क्लास सेवन, पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज किया था? पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज किया? चौधरी रहमत अली। जी जवाब। जवाब दुरुस्त। जी क्लास सिक्स, खुतबे अलाहाबाद किसने दिया था? खुतबे अलाहाबाद किसने दिया? इलामा इकबाल। जवाब दुरुस्त। जवाब दुरुस्त। जी क्लास सेवन, पाकिस्तान का झंडा किसने तैयार किया?
पाकिस्तान का झंडा किसने तैयार किया? अमीरुद्दीन कदवाई। जी जवाब दीजिए। दुरुस्त जवाब। क्लास सिक्स, दुनिया में सबसे पहले रेलवे लाइन कहाँ बिछाई गई? दुनिया में सबसे पहले रेलवे लाइन कहाँ बिछाई गई? इंग्लैंड। जी जवाब दोस्त। दोस्त जवाब। जी क्लास सेवन, पंजाब का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? जी पंजाब का सबसे बड़ा दरिया दरियाए जेहलम है। जी दोस्तों। विनर का डिसाइड करना। दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी चीज बिकती है? दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज सिगरेट। दुरुस्त जवाब। क्लास सेवन, फलों का बादशाह किस फल को कहते हैं? फलों का बादशाह आम। आम। जी ठीक है। दुरुस्त जवाब। क्लास सिक्स, दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फल कौन सा है? दुनिया में कौन सा? जी टमाटर। जी दोस्त। पाकिस्तान की कौमी सब्जी कौन सी है? पाकिस्तान की कौमी सब्जी भिंडी। भिंडी। लेडी फिंगर। जी कितने कितने सवाल? 17। जी 17। तीन तीन सवाल और पूछे जाएंगे। जी क्लास सिक्स, गाजर का अंग्रेजी नाम क्या है? जी गाजर का अंग्रेजी नाम कैरेट। जी क्लास सेवन, सब्जियों का बादशाह है? सब्जियों का बादशाह आलू। जी जी दोस्त। जी क्लास सिक्स, दुनिया में सबसे ज्यादा पैदा होने वाली सब्जी है? दुनिया में सबसे पैदा होने वाली सब्जी? मशवरा कर लो। आपने अभी क्या जवाब दिया? आलू। आलू जी आलू। जी क्लास सेवन, तरबूज फल है या सब्जी? सब्जी। तरबूज सब्जी है। दुरुस्त जवाब। जी 20वां सवाल, आखिरी सवाल। जी क्लास सिक्स, पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? हॉकी। पहला जवाब हॉकी आया, उसी को दुरुस्त तस्लीम किया जाएगा और ये जवाब दुरुस्त है। लेकिन इस टीम में से भी दो जवाब आए एट ए टाइम। पहले दो टीमें इसी गलती की बुनियाद पे नॉकआउट हो चुकी हैं, तो लिहाजा ये असूल इस टीम पर भी अप्लाई होगा। आखिरी सवाल क्लास सेवन। जी क्लास सेवन से आखिरी सवाल, पाकिस्तान का कौमी दरख्त कौन सा है? पाकिस्तान का कौमी दरख्त कौन सा है? देवदार। ठीक है जी। कौन सा? देवदार। जी अभी 8 और 9 का आपस में मुकाबला होगा। 6 क्लास एक गलती कर चुकी है टेक्निकल। अभी फाइनल में इन दोनों को, क्योंकि पहला जवाब हॉकी आया था लेकिन टेक्निकल गलती उसमें आ चुकी है, अगर 8 और 9 में से जो भी विनर होती है फाइनल में, इन दोनों टीमों को मौका दिया जाएगा। अगर वहां पे हमें विनर ना मिली तो 6 क्लास की इस गलती की बुनियाद पे 6 क्लास को वहां पर 9 को मरले में इस गलती की बुनियाद पे मार्क इनका एक नंबर कम किया जा सकता है। तो ये एक नंबर की कमी पेंडिंग रखी जाती है और इन दोनों टीमों को अगले मरहले में क्वालिफाई किया जाता है।
क्योंकि पहला जवाब इनका ठीक आया था और वो हॉकी था, लेकिन उनके एक साथी ने उसके बाद गलत जवाब भी दिया। क्योंकि मशवरा करके एक ही जवाब देना होता है, तो पहले दो टीमें इस बुनियाद पे आउट हो चुकी हैं फाइनल मरहले में, तो इस गलती को फाइनल मरहले के लिए पेंडिंग रखा जाता है। और अभी फ़िलहाल ये सिक्स और सेवन दोनों टीमें सेवन्थ के लिए, ये फाइनल के लिए क्वालिफाई करती हैं। अगर वहाँ टाई पड़ती है सिक्स और सेवन्थ के दरमियान, तो फिर सेवन्थ को फातह करार दिया जाएगा फाइनल मरहले में। थैंक्स अ लॉट, पाकिस्तान।